हमारे लोगों के दिमाग में खाना चलता रहता है 24 घंटे। सुबह इतना पेट भर के नाश्ता करे, नाश्ता करते करते सोए भाई लंच में क्या करना है, और लंच करते हुए सोचे रात को डिनर में क्या करना है। अंदर पराठा बोल रहा था, मेरे को तो निकलने दे। ये हैं आप सभी के चहेते कपिल शर्मा, जिन्होंने सक्सेसफुली एक बार फिर अपना वेट लॉस कंप्लीट किया है। जी हाँ, इनका वजन फिर से एक बार 92 केजी तक पहुंच गया था, जिसे इन्होंने सक्सेसफुली 81 केजी तक रिड्यूस कर लिया है। 92 से 81 पे आ गया। इन्होंने न केवल अपना 11 केजी वजन कम कर लिया है, बल्कि आगे भी ये अपना वजन घटाना जारी रखे हुए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनके इसी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि इस बार ये अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और अगर आप आज का वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको भी अपने वेट लॉस के लिए काफ़ी सारी लर्निंग्स जरूर मिलेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इनका वज़न क्यों बढ़ा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने सबसे पहला अपना वेट लॉस किया था अपनी फर्स्ट मूवी के लिए, जिसका नाम था किस किस को प्यार करूं। लेकिन वो अपने घटे हुए वजन को ज़्यादा समय तक मेंटेन नहीं रख पाए। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि कपिल शर्मा बिलोंग करते हैं पंजाब के अमृतसर से, और एक आम पंजाबी की तरह ये भी अपने आप को फूडी मानते हैं। पंजाब में लोग खाने से कितना प्यार करते हैं, ये जानने के लिए आपको केवल आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है। वहाँ लोग मज़ा आ गया नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं स्वाद आ गया। छुआ तूने तो जीने का स्वाद आ गया। मक्खन या बटर से प्यार का प्रूफ आपको मिल जाएगा जब वहाँ आपको कई लोग मिलेंगे जिनका नाम होगा मक्खन सिंह। मक्खन या बटर से प्यार आपको एक और जगह झलकेगा, जब वो अपने लव इंटरेस्ट को कहेंगे मखना। तो फ्रेंड्स, अगर आप खाने में मक्खन या बटर का ज़्यादा प्रयोग करोगे या किसी भी तरह के फैट का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपका वज़न बढ़ना निश्चित है, क्योंकि जहां 1 ग्राम कार्ब्स या प्रोटीन में केवल 4 कैलोरीज होती हैं, वहीं फैट यानी वसा में 1 ग्राम में पूरे 9 कैलोरीज होती है, यानी इसकी थोड़ी सी मात्रा में ज़्यादा कैलोरीज होती है, जिसकी वजह से इसका कंजम्पशन करने पर आपका पेट तो ज़्यादा नहीं भरता, फिर भी आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलती है, इसलिए आप कैलोरीज के हिसाब से ओवरईट कर जाते हो। तो आप जान ही चुके हैं कि इनका वज़न बढ़ने की एक प्रमुख वजह थी इनका फूडी होना, और साथ ही प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी बिजी शेड्यूल होने की वजह से इनकी ईटिंग हैबिट्स ऑलरेडी थोड़ी ख़राब हो रही थी। इसके अलावा प्रोफेशनल फ्रंट में भी ये काफ़ी स्ट्रेस्ड रहे, क्योंकि इन्हें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा था, और कुछ समय के लिए तो ये डिप्रेशन में भी चले गए थे। और अगर कोई डिप्रेशन में या नॉर्मली भी अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो वो भी आसानी से अपना वज़न बढ़ा सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के अल्कोहल में केवल कैलोरीज होती है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। जबकि वेट लॉस करने के लिए आपको ऐसे फूड आइटम्स लेने चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट डेंस हो लेकिन कम से कम कैलोरीज में हो। और मैं सच्ची में बोलूं, मैं एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था, पर मैं लिटरली मुझे एंग्जाइटी अटैक आने लगे थे, उसके बाद वापस आया, उसके बाद फिर मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, बहुत पीना शुरू कर दिया मैंने। और अत्यधिक बिजी शेड्यूल रहने की वजह से ये अपने वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय नहीं निकाल पाए, और इन्हीं सब वजह से इनका वजन वापस जल्द ही बढ़ गया। अब आप जानना चाहेंगे कि ये अपना वजन दोबारा क्यों कम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का एक नया शो जल्द ही आने वाला है, और केवल इसी शो के लिए ये अपना वजन फिर से घटा रहे हैं। तो मैं आ रहा हूँ आपके टीवी, लैपटॉप और फोन पे, यानी नेटफ्लिक्स पे। दिस वॉज द ऑस्पिशियस न्यूज। देखिए फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज़ को अपने वेट लॉस मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई प्रोफेशनल रीजंस मिल जाते हैं, लेकिन आपको वेट लॉस करने के लिए आपको अपने रीजंस ढूंढने होंगे, और आपका प्राइम रीज़न होना चाहिए हेल्थ। जी हाँ, अपने हेल्थ और फिटनेस को बरकरार रखने के लिए सभी ओवरवेट लोगों को वेट लॉस ज़रूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन्होंने अपने डाइट और वर्कआउट में क्या क्या किया जिससे इनका वज़न कम हो गया। सबसे पहले बात करते हैं वर्कआउट की। तो इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से वर्कआउट के लिए भी समय निकालना शुरू किया। ये अब सुबह जल्दी यानी 6 बजे उठने लगे, जिसमें सुबह ये 1 घंटा कार्डियो एक्सरसाइज करने लगे। कार्डियो एक्सरसाइज में ये साइकिलिंग और ट्रेडमिल पर वॉकिंग या जॉगिंग भी करते थे।
इसके अलावा सप्ताह में कुछ दिन इन्होंने किया योगा। इसके अलावा ये 30 से 40 मिनट का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन जरूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कार्डियो से आपको वेट लॉस के फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल रिजल्ट के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। यानी अगर आप अपने वेट लॉस के रिजल्ट लंबे समय तक सस्टेन रखना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से बढ़ता है आपका मसल मास, और आपका ये ही बढ़ा हुआ मसल मास आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप बड़ी आसानी से कैलोरिक डेफिसिट स्टेट पे रह पाते हो और आपका वेट लॉस भी आसानी से होने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, कपिल शर्मा बताते हैं कि केवल वर्कआउट करना वेट लॉस के लिए काफ़ी नहीं था, इन्हें अपने खान पान की आदतों में भी काफ़ी बदलाव करना पड़ा। यानी इन्हें एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ी, जंक फूड और शुगर को अवॉइड करना पड़ा। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अल्कोहल के साथ वेट लॉस कैसे करें, तो मैं यहाँ आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि अगर आप वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको शराब बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। पर मैंने फिल्म के लिए फिट होना था, मैंने बिल्कुल ही पीना छोड़ दिया था। इवन सोनी की सक्सेस पार्टी थी, सोनी टीवी की, हमारे शो की एक्चुअली, तो हमारे जो सीनियर्स थे, जो भी हमारे बॉस, सब ने मुझे कहा कि ले लो। मैं कहा नहीं, मुझे वेट लूज करना है। 10-12 किलो वेट लूज किया। आइए अब इनके डाइट प्लान के हाइलाइट्स को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेकफास्ट में ये लेना पसंद करते थे ब्राउन ब्रेड की सैंडविच और एग यानी प्रोटीन सैलेड। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि एग्स में एग वाइट्स ज्यादा हैं और आपको एग योक्स नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ इसे प्रोटीन सैलेड बताया गया है। आपको पता होना चाहिए कि एग वाइट्स में लीन प्रोटीन होता है, जबकि एग योक्स में प्रोटीन के साथ साथ काफ़ी मात्रा में फैट भी होता है। इसलिए अगर आप एग वाइट्स का कंजम्पशन करते हैं तो ये आपको कम कैलोरीज में ज़्यादा देर तक सेशिएटेड रखेगा, यानी आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। और साथ ही साथ यहाँ ये सैलेड में कैबेज यानी पत्ता गोभी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, साथ ही ये एप्पल या स्ट्रॉबेरीज जैसे फ्रूट्स लेते हैं। लंच का हाइलाइट्स है बॉयल्ड ब्रोकलीज विथ स्पाइसेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ब्रेकफास्ट में इन्होंने कैबेज कंज्यूम किया था और लंच में ब्रोकली, और ये दोनों आते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के ग्रुप में से। जी हाँ फ्रेंड्स, इस ग्रुप की वेजिटेबल्स को कंज्यूम करके आप अपने ईस्ट्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में होता है डिंडोलिन मीथेन, जिसे हम शॉर्ट में DIM यानी डिम कहते हैं। ये कंपाउंड आपके शरीर में ईस्ट्रोजन के मेटाबोलिज्म को बैलेंस्ड आउट करता है, यानी मेन में ये ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कंपेरेटिवली बढ़ सकता है। और इसी प्रकार वीमेन में भी ये ईस्ट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से PCOS या PCOD वाले कंडीशन में आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। जी हाँ, इसके लिए आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल ग्रुप के किसी भी वेजिटेबल को रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिनेच एट्सेट्रा। या अगर आप चाहें तो आप डिम सप्लीमेंट भी आसानी से ले सकते हैं। आपकी आसानी के लिए एक अच्छे डिम सप्लीमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप इसे मेरे वेट लॉस स्टोर में विजिट करके भी बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात का आपको ध्यान देना यहाँ बेहद ज़रूरी है कि जिन्हें भी हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत हो वो इन सप्लीमेंट को बिल्कुल न लें, और उन्हें क्रूसीफेरस वेजिटेबल का भी प्रयोग कम से कम करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। खासकर रॉ कैबेज जैसी चीज़ें उन्हें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जो कि कई चाइनीज फूड आइटम या एज ए सैलेड रॉ डाली जाती है। इसके अलावा डिनर इनका काफ़ी सिंपल होता था, जिसमें ब्राउन राइस, दाल और वेजिटेबल्स होते थे। और इसके अलावा मिड मील में ये डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट यानी मिल्क या बटर मिल्क ले लेते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप दूध लें तो या तो वो स्किम्ड हो, या डबल टोंड हो, या टोंड हो। और अगर आप पैकेट वाला दूध नहीं लेते हैं तो आपको दूध में से मलाई को हटाकर फिर कंज्यूम करना चाहिए, और आपको भैंस की जगह गाय का दूध प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसमें फैट का कंटेंट कम और पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। और दूध और छाछ आपके प्रोटीन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो पूरी करता ही है, बल्कि छाछ में मिलता है आपको प्रोबायोटिक्स, जो कि आपके डाइजेशन के लिए भी काफ़ी बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार एक बेहतर डाइट प्लान लेकर और एक अच्छी वर्कआउट रूटीन फॉलो करके आप भी बड़ी आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सा रूल है कि हर वीक के एंड में आप अपना वज़न देखिए। अगर आपका वज़न कम ना हो रहा हो तो आपको अपने खाने की कुछ मात्रा और
कम करनी है। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपका वजन कम से कम एक हफ्ते में आधा किलो कम ना होने लगे। साथ ही आपको एक अच्छा वर्कआउट रूटीन तो फॉलो करना ही चाहिए। आसानी से वजन घटाने के लिए आपको देखना चाहिए मेरा मस्ट वॉच प्लेलिस्ट। लेकिन अगर आप बिना गलती किए और जल्द से जल्द किसी एक्सपर्ट यानी हमारे सुपरविजन में अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट करना चाहिए हमारा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। जाने से पहले एक बात आप और जान लें कि वेट लॉस के दौरान आपको स्ट्रेस्ड नहीं होना है, आप में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। यानी आपको अपनी वेट लॉस जर्नी गुजारनी है हंसते हंसते, तो उसके लिए सुन लीजिए कपिल शर्मा से कुछ जोक्स। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे साथ हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार, क्या नाम है आपका? भारती। तो पार्थी जी, आपकी ये जो खूबसूरत स्माइल है, इसका क्या राज है? मैं तो जब भी देखता हूँ आपका प्रोग्राम बड़ी हंसी आती है।